सब वो चीजें हैं जो आप रोजमर्रा में एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं आप यूज करते हैं। तो चलिए ब्रश शॉट ब्रश कटर गड्ढा कैसे करना है, जो 2 फीट का भी गड्ढा है वो कैसे किया जाएगा, या पानी कैसे निकालना है। रीपर, ये मिनी रीपर है, ये ज्यादातर इसको मेंथे जहाँ पे कटाई होनी है मेंथे की कटाई या बरसीन की कटाई, कई अभी गेहूं की भी कटाई इससे करने लगे हैं। आपका रंग तो बड़ा साफ है, कहीं धूप में काला ना हो जाए भाई। अरे 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 क्या बूस्ट स्टॉक है, इसमें ताकत बहुत ज्यादा है, कैसे भी सूखी मिट्टी हो गिल्ली जैसे धान की गति में उसमें भी ये शंशो है और कैसे भी उसको जमीन को पाड़ के रख देगा। ये अगर ये छोटा होगा तो बहुत जोर लगेगा, अगर ये बड़ा रहेगा तो जोर नहीं लगेगा, ताकत नहीं लगेगी, आराम से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। फ्री होगा जी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको साइन करके दे रहा हूँ। अगर कोई भी अगर आया भी है फार्मर भाई जो वीडियो देख रहा है, अगर मैंने किसी को नहीं ये सुविधा दी है तो अब वो मुझे जरूर लिख के भेजे। हमारे अकाउंट में मात्र 2000 रुपया डलवाना है और एड्रेस भेज देना है, हम मशीन डिस्पैच कर देंगे। जो बाकी का पैसा है जब मशीन उनके राज्य में डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया हम उनको बता देंगे मशीन कहां पे है, तब उन्होंने बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा दे। देखिए लेना या नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन आप यहां पर पहुंचते हैं तो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, बाकी यहां पर आने के बाद जिम्मेदारी राजा भाई की। बिल्कुल हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, हमेशा ही गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं देते हैं। कुछ भी खराब हो जाए, मेरे फार्मर भाई की भी गलती से भी खराब हो जाए, हम चेंज कर देते हैं। आदाब नमस्कार, मैं हूं अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एस राजा की, एस राजा कंपनी की, ज़बरदस्त उठाया था आप लोगों ने, बहुत कमेंट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया से, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आए थे और कहा था कि ए इस बार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए छोटू टीलर है, छोटू टिपर है और कई सारे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो पंजाब के इंजीनियरिंग माइंड को यहाँ पर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ज़मीन अगर ज़रखेज़ है पंजाब की तो वो सिर्फ ज़रखेज़ ज़मीन ही नहीं है, उसको उगाने वाले, उसको बढ़ाने वाले और उसको इंजीनियरिंग तरीके से यानी टेक्निकल माइंड से टैकल करने वाले जो लोग हैं वो कम नहीं हैं। उसमें एक बड़ा नाम आता है एस राजा का, ये सिर्फ मुंह देखे की बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए या और दूसरे वीडियोस में आप देख लीजिए, आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप देखना चाहते हैं, यानी बेस्ट कम पैसों में बहुत ज़्यादा मुनाफा। तो ये सारे इक्विपमेंट जितने आप देख रहे हैं मेरे पीछे और मेरे दाएं बाएं, ये सब वो चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा में एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं आप यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग माइंड की एक और ऐसी चीज़ की कि जिसको देख कर आप वाकई में प्रोत्साहित भी होंगे और आपका जी खुद करेगा एक स्टेप आगे बढ़कर इसको देखने का और लेने का। शुरुआत करते हैं कंपनी के मालिक एस राजा हमारे साथ हैं। राजा भाई आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार रकर भाई, मैं भी आपका बहुत स्वागत करता हूं जो इतनी कड़ी धूप में हमारे साथ वीडियो बनाने आए। आपका रंग तो बड़ा साफ है, कहीं धूप में काला ना हो जाए भाई। अरे अरे क्या बात है, देखिए लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि एक बार दोबारा करें। जी 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 जी, आज क्या दिखाने वाले? आज मैं आपको छोटू रिपर छोटू वीडर ब्रश छोटू ब्रश कटर गड्ढा कैसे करना है, जो 2 फीट का भी गड्ढा है वो कैसे किया जाएगा, या पानी कैसे निकालना है, वो उसको मैं सारा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अच्छा, ये सारे जितने इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं ये सब छोटे छोटे काम करेंगे, छोटे टेलर हैं और छोटे रैपर हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल जी, छोटे लगते छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है, जो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस फ्री है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है इन मशीनों की। चलिए दिखाइए साहब, शुरुआत करें। पहले तो मैं आपको छोटी सी चेन सा दिखाता हूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, इसको हाथ चार्ज कर लेना है आपने, छोटे छोटे दरख्त काटने हैं, टहनियां काटने हैं, वहां पे उपयोग किया जाएगा। अगर बड़े दरख्त काटने हैं, ये हमारा बड़ा चेन सा 22 इंच का जो कि पेट्रोल ऑपरेटेड है 58 cc का, इससे आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपने बीडिंग करना है, टीलिंग करना है, जैसे आपने 16 इंच 12 इंच 18 इंच गन्ने की, जैसे अभी की जुताई का सीजन आ रहा है, सब्जियों में कार्य करना है, तो ये हमारे पास ये 3 मशीनें पड़ी हैं, ये हमारा 4 स्ट्रोक का है, ये 2 स्ट्रोक का है, 2 स्ट्रोक 82 cc का है और ये 52 cc का 4 स्ट्रोक है। अच्छा सर ये बताइए कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का क्या फर्क है इन दोनों में? भाई साहब 2 स्ट्रोक होता है उसमें पेट्रोल में लुब्रिकेंट तेल डाला जाता है, जो 4 स्ट्रोक होता है इसमें इंजन में अलग से मोबिलर डाला जाता है और अकेला पेट्रोल डाला जाता है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन में फर्क पड़ जाता है। अच्छा तो कितना मोबिलर इसमें डलेगा भाई साहब? जो हमारा ये 52 cc का 4 स्ट्रोक है इसमें 250 ml आता है, हिंदुस्तान में पहला ऐसा ये 52 cc
सीसी का इंजन है जिसमें 250 ml आएगा। ये हमने इसलिए डेवलप किया है ताकि अगर मोबाइल ज़्यादा रहेगा तो सालों साल चलेगा और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर 100-150 ml होगा तो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं फार्मर भाई के, तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने इसको स्पेशल डिज़ाइन किया और मटिक्का जापान की टेक्नोलॉजी के अंदर डिज़ाइन किया है। सबसे बड़ी बात है ये बड़ा पोर्टेबल है, बड़ा छोटू है, मात्र जो वजन है 18-19 kg है, कहीं भी आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। रास्ते डाली आपने, बिल्कुल आसान है जी, छोटा सा ही है जी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा 82 cc। 80 cc में 2 स्ट्रोक है, इसमें ताकत बहुत ज्यादा है, कैसे भी सूखी मिट्टी हो, गिल्ली जैसे धान की गति में उसमें भी ये समझो है, और कैसे भी उसको जमीन को पाड़ के रख देगा, ये काम करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप 16 इंच 18 इंच 20 इंच जैसे सब्जियों में काम करना है या गन्ने की गुड़ाई करना है वहां पे ये बहुत समझो है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग अब क्या रहती है? 82 cc का है ये, हमने 27,000 इसकी कीमत निकाली है पिछले साल से, 2,000 रुपये पहले भी डिस्काउंट किया था, अभी भी हम करेंगे आपकी वीडियो माध्यम से इसका हम 25,000 का देंगे। जो 52 cc का 4 स्ट्रोक है ये वैसे तो 30,000 का 2,000 डिस्काउंट करके ये 28,000 का देंगे। अगर किसी फार्मर भाई ने ये 52 cc का मल्टीपर्पज लेना है, साथ में काटने का भी मिलेगा, साथ में टिलिंग का मिलेगा, ये 34,000 का 2,000 डिस्काउंट करके 32,000 का देंगे। और छोटू जो चेनसा पड़ी है जो कि इलेक्ट्रिकल है वो 5,000 की है, जो वो हमारी 58 cc की 22 इंच का चेनसा है उसकी जो कीमत है मात्र 8,500 रुपया है। बहुत सही, देखिए प्राइस आप लोगों के सामने सब आते जा रहे हैं। बिल्कुल, और जो पूरा देखिए मैं पूरा ओपन माइंड हूँ, हर चीज का प्राइस बता देता हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी पूछा करिए, हिंदुस्तान में पहली बात तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरी बात है इस प्राइस में कोई भी दे नहीं सकता जी। अच्छा, इसमें डिस्काउंट भी आपने बता दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा भाई साहब वाटर पंप है, तालाब से पानी निकालना है, बिहार यूपी जैसे महाराष्ट्र में छोटे छोटे तालाब बने होते हैं वहां पे पानी निकालना है। ये 2 इंच का बैंड लगा हुआ है, इसमें 7.5 hp का इंजन लगा हुआ है। बिल्कुल जी, मैं दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 40-50 फीट से पानी उठा लेगा और आप दूर कितना 1,000 फुट तक दूर लेके जा सकते हैं। और इसकी जो मात्र कीमत कंपनी ने तय की है 18,500 रुपया है। और उसके बाद हम ब्रश कटरों के ऊपर आते हैं जो कि बहुत फेमस है हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता किसी भी तहसील में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये प्रोडक्ट ना गया हो। जब ये भी हमारे पास तो 2 किस्म के हैं, 52 cc 2 स्ट्रोक और 52 cc 4 स्ट्रोक, इसकी जो कीमत है रहने वाली है 14,500 रुपया है। और जो 52 cc 4 स्ट्रोक है इसकी जो कीमत है 19,500 रुपया है। इसके साथ हम देंगे क्या क्या साथ में जी बता दीजिए ये। हाँ, इसके साथ हम ये 4 किस्म के ब्लेड जो देख रहे हैं, साथ में ये घास काटने वाला और साथ में ये एक ये टीलिंग अटैचमेंट जो देख रहे हैं, ये प्लेन एरिया में चलने वाली है, अगर किसी ने कंकर में चलाने वाली है तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा, देखिए कंकर में चलाने वाली जो है वो ये इधर रहा पर ले सकते हैं, ये इसके साथ अलग अलग अटैचमेंट्स हैं जो इसके साथ जुड़ेंगे। इसका प्राइस क्या बताया सर आपने? भाई साहब अगर तो 2 स्ट्रोक लेना है 14,500 रुपया है, अगर किसी फार्मर भाई ने 4 स्ट्रोक लेना है 19,500 रुपया है। अच्छा, 19,500 रुपये, यानी कि जो रेट है जो प्राइस है वो भी सब आपके इधर सामने आ। अरे सर इसमें तो कोई इंजन ही नहीं है, ये चलेगा कैसे, वर्किंग कैसे होगी? भाई साहब जो ये मैंने ब्रश कटर दिखाए हैं ये उन्हीं के साथ लग जाते हैं, ये स्प्रे पंप है इसके साथ आप 1,000 फुट लगा सकते हैं, जो चेन्स है इसी ब्रश कटर की अलग से अटैचमेंट है, अगर किसी किसान भाई ने लेना चाहते हैं वो भी हम दे देंगे। अगर किसी ने ये लेना है ये 4500 की अलग अटैचमेंट है, ये चेनसा की 3500 की अटैचमेंट है। अगर किसी फार्मर भाई ने मिट्टी चढ़ाना है दोनों साइड में सब्जी में, ये साथ में इसको डीचर बोला जाता है, इसकी जो कीमत है 4500 रुपया है। ये भाई साहब अल्टरनेट वीडर है, किसी फार्मर भाई ने जड़ से घास निकालना है ये उसके लिए उपयोग किया जाता है, बड़ी इसको मेहनत लगी बनाने के लिए। इसका अभी कम प्राइस भी हमने कुछ कम किया, पहले 7500 का था, अभी हमने इसका 6500 रुपया प्राइस किया है, ये भी इसी के साथ लग जाएगा। अच्छा, ये भी इसका अटैचमेंट है? जी जी जी, मतलब एक चीज के पास कितने सारे अटैचमेंट? बिल्कुल जी, इसी के साथ ब्रश कटर के साथ सारे लग जाएंगे। हिंदुस्तान में पहली बार हमने दिखाया है भी इतनी अटैचमेंट लगती हुई, किसी ने आज तक इतनी अटैचमेंट नहीं दिखाई थी। मैं देख रहा हूँ क्योंकि एक चीज के साथ इतनी सारी अटैचमेंट देखिए, सब लगातार इसके साथ ये लग सकती हैं और पैसे जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है। अच्छा सर, ये देख रहा हूँ उसकी ये जो है पीछे पीठ पर रहेगा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, इसकी वाइब्रेशन पूरी बॉडी में है? भाई साहब इसकी बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये 2 किस्म के होते हैं, एक साइड पैक होते हैं, एक बैक पैक होते हैं। अगर जैसे इसको बैक पैक का मतलब होता है, अगर इसको पीठ में टांग लिया जैसे हमने बैक को लमका लिया वैसी रहेगा, इसकी कोई भी वाइब्रेशन नहीं होने वाली। दूसरी बात ये है जो साइड पैक साइड वाले होते हैं, साइड से चलते इंजन लगा
होता है उसमें वाइब्रेशन बहुत होती है, उसमें क्या होता है हाथ दुखने दर्द करने लग जाते हैं और वजन सारा हाथों पे आ जाता है। इसके ऊपर बैक पे जैसे पिट्ठू आपने बैग डाल लिया तो उसी तरीके से इसको चलना है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है और कोई भी थकावट नहीं आएगी, चाहे फार्मर 10 घंटे चलाए कोई दिक्कत वाली नहीं, ये मेरा वादा है। ये बात बिल्कुल सही है, जो वाइब्रेशन है ना वो थकाती है जी, तो इसका मतलब वाइब्रेशन इसमें नहीं है तो आप थकने वाले नहीं। बड़ी बात जो हमने जो कंट्रोल भी दिया है हाथ में दिया है, इसको रेस को आपने कहीं पे भी सेट कर देना है, बार के रेस को बार पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है और यहीं से इसको ऑफ ऑन ऑफ हो जाना है, कोई भी इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे इधर आ जाए, इसके ऊपर सर ये क्या है? ये हमारा जो बोले थे मिनी रिपर, ये मिनी रिपर है, ये ज्यादातर इसको मेंथे जहाँ पे कटाई होनी है, मेंथे की कटाई या बरसीन की कटाई, कई अभी गेहूं की भी कटाई इससे करने लगे हैं। छोटा बनाया है हमने, बड़ा पोर्टेबल है, सस्ता है, कहीं भी आप उठा के इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है जी फार्मर भाइयों के। देख रहे हो उसके व्हील व्हील जो है बहुत अच्छे, बहुत क्लासिकल से, बड़े स्टाइल से लगाए हुए। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमने एडजस्टेबल दी है, आप देखिए वो नीचे, आप देखिए मैं नीचे करता जा रहा हूँ वो नीचे हो जाएगा, जो इसको ऊपर करता जा रहा हूँ वो ऊपर हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से मेरे फार्मर भाइयों को दिखाई है, ये देखिए इसकी यहाँ पे पूरी एडजस्टमेंट दी गई है, ये देखिए यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट है, ये देखिए जी बहुत सही। और देखिए यहाँ पर आपकी मतलब कि कहने का मतलब है आपने किसने इंच से फसल को काटना है उसी तरीके से इसको अपने लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन को इधर दिखाएं सर एक बार, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये देखिए जी, ये देखिए, चलिए सर बहुत सही। और अच्छा, इसकी जो कीमत है ये भी हमारा 50 cc में है तो इसकी जो कीमत कंपनी ने रखी है मात्र 22,500 रुपये रखी, 22,500 जी जी जी। अच्छा और ये क्या आ गया? ये भाई साहब ब्लोअर है, ये पहली बार ही आपकी वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है, ब्लोअर है बिल्कुल जी बिल्कुल, यही ब्रश कटर का ही एक पार्ट है। कई बार क्या होता था सारे काम कर लिए, खेत की जुताई भी कर ली, काट भी लिया, अब मैंने सोचा यार ये तो फ्री रहेगी मशीन, तो मैंने ये पीछे पंखा फिट कर दिया, आप इससे कंप्रेशर का ब्लोअर का काम ले सकते हैं इसी मशीन से। बहुत बढ़िया सर, ये इसमें पीछे से क्या सब? ये भाई साहब हवा निकलेगी ना जी इसी से, मैं आपको चला के दिखाऊंगा कितनी जबरदस्त हवा निकलती है, मतलब कि आपने घर सफाई करना है या कंप्रेशन का काम करना है तो इससे बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा इसमें बेल्ट इसमें भी दे रखी है पीछे, बिल्कुल सेम ही है जी, वही इंजन है जो मैंने आपको दिखाया है। अच्छा देखिए ये सारा सब इधर पीछे आ जाता है, इधर पेल्ट स्टेबलाइजेशन सर इसमें भी वाइब्रेशन, वो तो आप जैसे पिट्ठू बैग लमका लिए वैसे ही लमकाना है बस जी। अच्छा सर ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये भाई साहब ये गड्ढे करने की मशीनें हैं, ये 52 cc 63 cc 82 cc अलग अलग किस्म की पड़ी हैं जी हमारे पास। अच्छा सर देख रहा हूँ कि इसमें काफी बड़ा स्पेस दिया हुआ है इसको ग्रिप करने के लिए। भाई साहब ये ग्रिप करने के लिए इसी है, अगर इसमें टेक्निकली एक्चुअली साइंस का उपयोग किया गया है, अगर ये छोटा होगा तो बहुत जोर लगेगा, अगर ये बड़ा रहेगा तो जोर नहीं लगेगा, ताकत नहीं लगेगी, आराम से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये टेक्निकल रीजन है भाई साहब, और कोई बड़ा करने का रीजन नहीं था। मैंने कहा ना कि पंजाब की टेक्निकल इंजीनियरिंग है, टेक्निकल माइंड वो यही है जी 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 जी, सब चीज एक्सपेरिमेंट हो रही है इसमें। अच्छा ये सर स्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप चलता रहेगा या मैनुअली आपको रेस कम और ज्यादा करनी पड़ेगी? इसमें हमने दो तरीके के फीचर किए हैं, आप देखिए मैनुअली भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपने ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको रेस को फिक्स कर सकते हैं, अगर आप मैनुअली चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा। दोनों ही सिस्टम इसने हमने इसमें डिजाइन किए। अच्छा अगर एक रेस सेट करनी है आपको तो आप ये रेस है इसकी कहीं पर भी सेट कर दीजिए, बिल्कुल अगर ऑटोमेटिक चाहते हैं तो यहीं पे कहीं पे भी रेस सेट कर दीजिए, अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो आप यहां से रेस आप कर सकते हैं। और ये हमारे पास जैसे कि ये 52 cc का पड़ा है, ये इसका के ये फायदा है भाई साहब आप 2 इंच से लेके 8 इंच का गड्ढा कर सकते हैं। अगर ये आप हमारा 63 cc का पड़ा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप 2 इंच से लेके 12 इंच का मतलब कि बड़ा गड्ढा 12 इंच तक का गड्ढा करना है तो आप इसे ड्रिल बिट इसके साथ उपयोग कर सकते हैं। सर ये सब इसी के साथ वो लगी हुई है? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसके साथ ये सारी लग जाती हैं। ये हमारा 82 cc का पड़ा है, इसके साथ आप ये भाई साहब जब हमारा 82 cc का पड़ा है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप 18 इंच तक का गड्ढा करने का उपयोग कर सकते हैं जी जी। ठीक है, चट्टान आ जाए या कंक्रीट आ जाए या पत्थर आ जाए बड़े, हाँ। तो इन तीनों में कौन सा और कैसे काम करेगा भाई साहब? देखिए चट्टानों में हमारी जो जितनी भी ड्रिल बिटे हैं जो EN90 स्टील की बनी हुई है उनको पाड़ के निकाल देगा, और ये स्पेशल हमने जो 82 cc का उन चट्टानों को खोदने के लिए बनाया है। अगर देखिए जो स्पेशल हमने एक यहाँ पे स्विच का उपयोग किया गया है, अगर नीचे चट्टान आ जाती है आपने ये दबा देना चट्टान को फाड़ देगा, अगर मिट्टी है तो इसको आप ऊपर कर लीजिए
तो आप मिट्टी की पूरी गढ़ाई कर देगा। बहुत बढ़िया, देखिए छोटा सा ये बटन है, ये और बटन ये नहीं है भाई साहब, इसका बहुत मेजर काम है। बटन का बता रहा हूँ, ये छोटा नहीं है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा, दिखने में छोटा है ये, दबाएंगे तो पत्थर काम करेगा, ऊपर करेंगे तो मिट्टी करेगा, काम करेगा। प्राइस बताइए सर क्या भाई साहब, जो इसका जो प्राइस है 52 cc का जो प्राइस है ये 13,500 रुपए का है, इसके साथ एक ड्रिल बिट देंगे, जो हमारा जो 63 cc का इसका 16,500 रुपए का है, अगर जो हमारा 82 cc का है ये 22,500 रुपए का है, इसके साथ भी हमें एक ड्रिल बिट देंगे। अगर किसी किसान भाई ने अलग से ड्रिल बिट लेनी है उसका पैसा हम अलग से ले लेंगे। ये भी हमारा अर्थोग्री है, इसके साथ हमने टायर लगा दिया है, किसी फार्मर भाई ने इसमें कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, 52 cc 63 cc या 82 cc। तो हमारा जो हमारा 82 cc का है इसका जो प्राइस है मात्र 19,500 रुपये का है, सभी के साथ एक एक ड्रिल बिट फ्री दी जाएगी। अगर किसी किसान भाई ने एक्स्ट्रा ड्रिल बिट लेनी है, जो साई लेना है, हम हमें बता दें, उसका हम प्राइस अलग से चार्ज कर लेंगे। ये हमारा क्या है, टायर ऑपरेटेड के साथ है, इसके साथ टायर लगा दिया गया है, जिसके साथ आप कोई भी इसमें अर्थोग्र आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इंजन यूज कर सकते हैं। अगर किसान भाई ने ये लेना है, इसका जो प्राइस 2500 उसको दाम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो ये फ्रेम और टायर और इसको बनाने की मेहनत लगी है। ये कुछ अलग नजर आ रहा है, ये भाई सब स्पेशल किया है, ये कमर्शियल पर्पज के लिए है, जिसने डेली के 1000 गड्ढा करना है। ये दोनों मशीनें, ये दोनों में फर्क है, इसमें देखिए आपने इसको हल्का सा नीचे दबाना है और ये गड्ढा हो जाना है। बहुत सही जी जी, मैं कैमरा पर सिखाऊं, अगर इधर आके दिखाएं तो ये देखिए इधर जो मूवमेंट है, इधर आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए बड़ा इजी है जी इसको, और जहाँ पे लॉक भी लग जाता है आप कैसे भी करके इसको लॉक लगा सकते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे करके, बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसकी जो कीमत है मात्र 28,500 रुपया है। शॉकरों का काम किया गया है, क्योंकि शॉकर नहीं नीचे जाना है, ये मेन शॉकर का काम उपयोग किया गया है यहाँ पे, यानी कि सस्पेंशन इसका बढ़िया है। जी 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 जी। बहुत ही अच्छा। प्राइस इसका क्या रहेगा फाइनली? इसका जो प्राइस है 28,000 रुपया है, 28,000 रुपया। दो पैसे कमाने हैं ये उसके लिए है, और इसका जो इंजन है 196 cc का है, जो कि 7.5 hp का है, और इसका जो प्राइस है मात्र 45,000 रुपये का है, और इसके साथ 2 ft का ड्रिल बिट साथ में फ्री दिया जाएगा। ये अलग से दिया हुआ है, इसमें पॉइंट ये कैसे लगा हुआ है भाई साहब? ये स्पेशल गियर डिजाइन किया गया है, ये अलग से गियर किया हुआ है, बड़े आराम से आपको मैं लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा, ये आप आराम से इसको करके चला सकते हैं। ये देखिए जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गियर बॉक्स है, इसमें एडजस्टमेंट है इसका। जी 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 भाई साहब, ये देखिए जी, मतलब कि कोई भी जोड़ नहीं लगाना, आपने हल्का सा इसको ऐसे घुमा देना है और ये गड्ढा हो जाना है। अच्छा, अब इतना स्मूथली चलेगा 196 cc का। जी जी, आप घुमा के देखिए, अरे कूल, आराम से आप चला सकते हो। गियर का काम है जी, जो इसको इसका इतना इजी बना दिया है भाई साहब ने। बहुत बढ़िया बात कही है राजा भाई ने, कि ये सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए ही नहीं है, अगर आप इसको कमर्शियली भी यूज करना चाहें या बिजनेस करना चाहें, इसका व्यापार करना चाहें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सारे फार्मर भाई हिमाचल में, जैसे सेब की होती है गड्ढे 2-2 ft के गहरे करने पड़ते हैं, वहां पे इसका हिमाचल में हो गया, कश्मीर में हो गया, इसका बहुत तब है जी वहां पे। ठीक, इसका क्या प्राइस बताया आपने? इसका जो मात्र प्राइस है 45,000 रुपया है जी। 45,000, 45,000 इसका प्राइस है। अब राजा भाई ये बताइए, तो बातें सारी हो गई, अब ये बताइए कि किसान इसको किस तरीके से ले सकते हैं, कितना पे करें, कैसे घर पर पहुंचे, क्या सिस्टम है आपका? भाई साहब मैं चाहता हूं किसान भाई मेरी कंपनी में विजिट करें, देख के डेमो हम उसको प्रॉपर देंगे। अगर मेरे फार्मर भाई दूर से भी आ रहे हैं, उनका रहने का खाने का प्रॉपर प्रबंध किया गया, हमारा अपना गेस्ट हाउस है, पर्सनल कोई भी दिक्कत नहीं है। जो फार्मर भाई नहीं आ सकते वो हम उनको काउंटर नंबर देंगे, कुछ भी लेना है या बड़ा लेना है इनमें से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने हमारे अकाउंट में मात्र 2,000 रुपया डलवाना है और एड्रेस भेज देना है, हम मशीन डिस्पैच कर देंगे। जो बाकी का पैसा है, जब मशीन उनके राज्य में डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, हम उनको बता देंगे मशीन कहां पे है, तब उन्होंने बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा देना है और मशीन जो कोरियर वाला है उनके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ के जाएगा। अच्छा, किसानों की बड़ी दिक्कत होती है कि नए शहर में जाते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, तो आपने कहा कि आपके यहां, मतलब जब आप यहां पर आएंगे तो मेहमान उनके होंगे, मतलब खाना रहना फ्री सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा जी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको साइन करके दे रहा हूं, अगर कोई भी अगर आया भी है फार्मर भाई जो वीडियो देख रहा है, अगर मैंने किसी को नहीं ये सुविधा दी है तो अब वो मुझे जरूर लिख के भेजे। अच्छा, डेमो भी ले सकता है आपके? बिल्कुल जी, हम उनको डेमो यहां पे प्रॉपर देते हैं। देखिए, लेना या नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन आप यहां पर पहुंचते हैं तो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, बाकी यहां पर आने के बाद जिम्मेदारी राजा भाई की, बिल्कुल हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अच्छा राजा भाई, एक ऑफर भी आप दे रहे थे, वो क्या था कि कितने पैसे कम से कम किसान भाई दें आपको और आप उनको चीजें मुहैया कराएं? भाई साहब मैंने बोला है ना जी, मात्र 2,000 रुपये डलवाना है और मशीन हम डिस्पैच कर देंगे जी। 2,000 रुपये? जी 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 जी,
अच्छा कितने हजार की वो मशीन होगी भाई साहब? जैसे चाहे वो हमारी जो 45,000 की मशीन है, चाहे जो 14,500 की है, कोई भी मशीन हो, आपने मात्र 2,000 की। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी ऐसे गारंटी नहीं लेता, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये किसान भाइयों की राजा भाई खुद गारंटी ले रहे हैं। 45,000 की मशीन घर पर पहुंच जाएगी, 2,000 रुपए अगर आप यहाँ पर इनके कंपनी में भेजे, 2,000 रुपए बिल्कुल जी, सिर्फ 2,000 रुपये डलवाना है, बाकी ज्यादा पैसे डलवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो छोटा सा चेन सा बच्चा है, वो 5,000 रुपये का है, वो हम अलग कोरियर से भेजते हैं, और वो बड़ा चेन सा, उन दोनों के हम पूरी पेमेंट करवाएंगे फिर भेजेंगे। बाकी इनमें से कुछ भी लेना है, सिर्फ 2,000 डलवाना है, पूरा पैसा डलवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। 2,000 रुपये की जो बात है, तो मतलब इतना विश्वास आप कर रहे हैं कि आपको सब चीजें मिल जाएंगी सब बाद में? भाई साहब, मैं अपने फार्मर भाई के लिए ही तैयार करता हूँ, मेरे फार्मर, मुझे भरोसा है मेरे अपने फार्मर भाई के, इसलिए हमें 2,000 ही डलवाना है, थोड़ा फालतू पैसा नहीं डलवाना जी। बहुत सही। देखिए, मेरे ख्याल से 45,000 की चीज 2,000 में पहुंचा, और कितनी भी सब चीजें बताई हैं इन्होंने भाई साहब ने, राजा साहब ने, राजा साहब ही है। 45,000 की चीज 2,000 रुपए में आपके घर पर पहुंच रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? तो बताइए, गारंटी क्या रहेगी, वारंटी क्या रहेगी, इसी किस तरीके से वर्किंग होगी? सब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हम हमेशा ही गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं देते हैं। कुछ भी खराब हो जाए, मेरे फार्मर भाई की गलती से भी खराब हो जाए, हम चेंज कर देते हैं। हाँ, घिस गया उसमें, जैसे ब्लेड घिस गया भाई, या ट्रिलिंग अटैचमेंट है, ब्लेड घिस गए, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका पैसा लगेगा। बाकी उसकी गलती से भी टूट जाएगा, खराब हो गया उसकी गलती से, चेंज कर दूंगा, फोटो भेजना जरूरी है। वारंटी का मतलब ये होता है कि आप रिपेयर करके दे दें, तो मैंने आज तक किसी को रिपेयर नहीं किया, मैंने नया ही भेजा है। नहीं, बिल्कुल नया ही भेजा है मेरी, ये बात माननी पड़ेगी भाई। मतलब जो नया, मतलब वारंटी अमूमन कंपनीज वारंटी ही देती हैं, रिप्लेस की गारंटी बहुत कम होती है, या बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर छोटे से फॉल्ट के लिए भी आप रिप्लेस कर देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल रिप्लेस कर देते हैं, कोई भी फोटो आना चाहिए, मैं नया ही भेज देता हूँ, बात खत्म। राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुराना भी जो खराब हो गया, वो भी कभी किसी से नहीं मंगवाया, कोई भी हिंदुस्तान में एक भी फार्म ने अगर ये बोला हो कि मैंने वापस मंगाया, मशीन फ्री दे दूंगा। देखिए, ये हुई किसानों वाली बात जी, ये हुई किसानों वाली बात और राजाओं वाली बात। थैंक यू। बड़े अट्रैक्शन मुझे 2,000 आए। देखिए, जो काम है, जो इसकी वर्किंग है, राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, जो वर्किंग नजर आई यहाँ पर, वो तो खैर आपके सामने नजर आई, इसके अलावा बहुत बड़े अट्रैक्शन 2 नजर आए। एक तो ये कि 2,000 वाली बात, 2,000 आप दीजिए और महंगी से महंगी मशीन आप अपने घर पर मंगवा लीजिए, और दूसरी बात ये, वारंटी नहीं गारंटी, छोटा सा भी अगर फॉल्ट होता है तो आप उसको पूरे तरीके से बदलवा सकते हैं, यानी कि गारंटी रहती है। यह बात बड़े ठस्से से राजा साहब ने, दिल की जो राजियत वाली बात है वो रखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जो उसके टेक्निकल आस्पेक्ट हैं, जो उसकी तकनीकता है ना, जो इंजीनियरिंग की मैंने बात की थी, पंजाब वाली बात, वो सब यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरे भारत में जा रहे हैं, इससे पहले मैंने प्रोग्राम दिखाया था जितने राज्यों में, पूरी मशीन को बाकायदा तरीके से उन्होंने डिटेल्स भी मुझे दी थी कि पूरे राज्य में, अलग अलग राज्यों में, पूरे भारत में कितनी सारी मशीनें गई हैं, और वहाँ के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इन सब चीज़ों को समझते हुए और अपने वर्क को स्मार्ट वर्क बनाते हुए इनका प्रयोग और इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आदाब, नमस्कार।